हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग, नए साल और नई नई जिंदगी में। हैप्पी न्यू ईयर सबको। और ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनाय मृत्युम् क्षेमामृतात्। ये ब्लॉग मैं फोन से कर रहा हूँ, थोड़ी क्वालिटी लो आएगी क्योंकि ये मेरे वाला फोन नहीं है, ये दूसरा फोन है, मामा वाला रेडमी का कोई नोट प्रो 7 वगैरह वगैरह, तो ये मैं उससे कर रहा हूँ। लेकिन आज बस मेरे को ब्लॉग शुरू करना था तो मैंने कर दिया। इसके अलावा तो सब बढ़िया है। और अभी जा रहे हैं हम खाटू श्याम जी के मंदिर सेलाकुई, जहाँ आपको पहले भी दिखा रखा होगा, तो वहां जा रहे हैं। तो अब चलते हैं, मिलते हैं, जय श्री श्याम। ये कह रहा था इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, आपको बता दिया था कि कैमरा वगैरह टूटा है, तो वो तो आज मेरा मन किया कि क्योंकि नए साल का मेरे को कोई क्रेज नहीं था कि कुछ करूं कुछ जाऊं, तो सोचा कि मंदिर तो जाया जाते हैं। और उसके अलावा ब्लॉगिंग का मन मेरा, क्योंकि आधा डिमोटिवेट तो मैं ब्लॉगिंग की वजह से हो रखा था, क्योंकि ये चीज ऐसी है ना कि मेरा दिल खुश कर देती है ये आप लोग और प्यार आप सबको नए साल से ही। तो अब सोचा है कि ब्लॉग्स तो आएंगे ब्रो, ब्लॉग्स में कमी नहीं करूंगा, बाकी जैसी शाम की मर्जी। और चलते हैं फटाफट, जय श्री श्याम जय श्री राम। चलो हाँ जी, तो वीडियो और अब गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी गर्म हो रही है और थोड़ा सा ट्राइपॉड निकाल लिया, तो अब आपको वाइड दिख रहा होगा। इस वाले फोन में वाइड बिल्कुल भी नहीं है, तो ट्राइपॉड तो चाहिए ही होगा। और इसके अलावा तो सब बढ़िया है। अब मेरे को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली, मतलब फोन टूटा था तो एकदम से अपग्रेड भी हुआ था, गोप्रो फिर DSLR, लेकिन जो वो टूटे ना तो डी ग्रेड के साथ साथ डिप्रेशन जो छाया था ना मेरे सर पे। लेकिन आज से थोड़ा नया शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है, मैं मानता हूँ ये चीज कि नए साल की शुरुआत हंसते खेलते करनी चाहिए, रोते हुए नहीं, वरना साल खराब जाता है, बस मैं इतनी चीज मानता हूँ। तो इस हिसाब से कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग और करते रहेंगे, जय श्री श्याम। चलते हैं फटाफट। हाँ जी, तो मंदिर तो आ गए और बहुत ही ज़्यादा जाम मिला, बहुत ज़्यादा, और अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रखी है वहाँ। अरे मामा और का वेट कर रहे थे, देहरादून से मामा और भी आ रहे, यहाँ से हम आ गए थे, दोनों को सेंटर में पड़ता है पॉइंट, तो हम लोग आ गए थे, मामा और का वेट कर रहे, फिर चलते हैं आगे को, प्रसाद भी लेते हैं और चलते हैं। जय श्री श्याम, आपको भी दिखाते हैं, जय श्री। तो दर्शन तो कर लिए और बहुत ही ज्यादा गंदी भीड़, मतलब बहुत ज्यादा, और दर्शन अच्छे हुए, प्रसाद भी मिल गया, टीका भी लग गया, यहाँ लगा टेढ़ा थोड़ा। और अभी मामा और अभी तक नहीं पहुंचे, वो जाम में ही फंसे हुए थे, रजन से आ रहे थे ना, तो तब तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, उनकी वेट करते हैं और आगे भी मंदिर के दर्शन करते हैं फिर। हाँ जी, तो दर्शन कर लिए, यहाँ देखो भीड़ आज तो रौनक लगी हुई है, और फेस में अपने दिखा नहीं सकता क्योंकि इसमें वो वाइड एंगल भी नहीं है और ना वो है, इतनी तेज आवाज़ भी नहीं आएगी। मामा और आगे, ये मेरे मामा, ये मेरी मामी, ये मामा के बच्चे और नानी मम्मी वगैरह वगैरह, और वहाँ पीयूष और भी आ रखे हैं, वो बांट रहे खीर बांट रहे हैं और एक और प्रसाद बट रहा है।
तो वो भी लेके आते। हाँ जी, तो वहाँ तो दर्शन कर लिए और अभी आए हम डाटखाली मंदिर, और यहाँ भी बहुत भीड़ और बहुत लंबी लाइन, तो लाइन में लगा हुआ कम से कम आधा घंटा लगेगा दर्शन करने में। और उसके बाद वैसे आपको तो बहुत बार दिखा रखा मैंने मंदिर, मतलब दर्शन करा रखे तो देख ले रहे, मतलब मैं देख लूँगा अगर हुआ कैमरा निकालने का तो करूँगा, क्योंकि ये फोन हैंग बहुत होता है तो बहुत टाइम लगता है इसे ऑन वगैरह करने में। तब बाकी देखते हैं, करते हैं दर्शन, फिर मिलते हैं, भंडारा भी है तो मिलते हैं। जय श्री श्याम। हाँ जी, तो वहाँ से तो आगे, वहाँ बहुत भीड़ थी तो दर्शन हमने किए नहीं, मतलब बार बार से दर्शन किए और उसके बाद आगे अब रुके हुए यहाँ आसन विराज पे और यहाँ भुट्टा खा रहे हैं। मतलब वो अमेरिकन स्वीट कॉर्न वाला भुट्टा था जो भी होता है मोटा सा और बहुत स्वाद था, बहुत ज्यादा स्वाद। और मम्मी मासी से बातें मारने लगी क्योंकि आगे जाम देखो कितना, यहाँ तो आज तो देहरादून की इतनी गाड़ियां हैं ना, अब उनके लिए तो ये होगा ना कि चलो हिमाचल घूमने चलते हैं, और वो आसन बराज तक आ गए। और या चलो जब आसन बराज आई गए तो पौंटा में थोड़ी टेक लें, नाले लंगर भी चख लेंगे, यही सीन होता है। तो बहुत गाड़ियां हैं देहरादून की और अब लाइन में लग गया हम दिन में, यहाँ तो कभी नहीं लगा, यहाँ वरना रात को 9 बजे के बाद ही लगता हूँ मैं लाइन में अगर लगा। अच्छा, अच्छा। वो भी ट्रक ट्रैफिक में। हाँ। ट्रक ट्रैफिक में आज तो बहुत गंदा जाम है, चल रहे हैं धीमे धीमे। फिर मैंने सोचा अच्छा, एक व्लॉग ही बना लेते हैं, व्लॉग ही शुरू कर लिया जाए। हाँ। मैंने व्लॉग बना लिया। हाँ जी, तो अभी हम आए राम मंदिर पौंटा साहिब, क्योंकि यहाँ इस्कॉन वाले आ रखे हैं और कीर्तन हो रहा है, तो देखते हैं चलते हैं अंदर को, फिर दिखाते हैं आपको विजय श्री श्याम। तो अब आ गया घर और ऐसा था मेरा न्यू ईयर, और राधे राधे, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये वाला टिक्का। तो मैं भी एक चंदन का टिक्का लेके आया क्योंकि मेरा टिक्का ख़त्म हो गया था, और वहाँ एक बुढ़ी सी आंटी बेच रही थी, मतलब काफ़ी एज थे वो, तो उनसे टिक्का और थोड़े एक शाम चालीसा और एक और किताब खरीदी। और उसके बाद आगे खाना पीना किया, भंडारे हो रहे थे लेकिन भीड़ भी उतनी ही थी, और आज तो जाम जो मिला ना उस वजह से बहुत 1 घंटा तो हम जाम में खड़े रहे। और फिर आ गए घर को, माँ के साथ घूमने में मज़ा आया, ऐसा था हमारा कुछ वो। हाँ जी, तो एक झपकी मार के उठ चुके हैं और यहाँ पे चल रही है बॉनफायर, और यही चल रहा है मेरी लाइफ में पिछले 15 दिनों से, 15 दिन हो गए हैं, 15 से कम ही हुए यार मेरे को व्लॉग बंद किए हुए, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा दिन लग रहे थे कि मैंने बहुत दिनों से व्लॉग नहीं किया, तो मैंने व्लॉग बनाने का सोचा। और बहुत दिन हो गए व्लॉग किए हुए और इतने दिनों से ही चल रहा है मेरी लाइफ में, और डेली आते हैं। अभी पापा आज लेट आएंगे थोड़ा क्योंकि एडमिन के घर पर पनीर आ रहा है गाइस, आज पनीर खाएंगे नए साल। और ये वाला फ़ोन मैंने अपने वाला फ़ोन ठीक होने को दे ही दिया क्योंकि नए फ़ोन का भी सारा बजट हिल गया था गाइस। और गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, रात के बज रहे हैं गाइस, हाँ घड़ी में बताता हूँ 7:15 बज रहे हैं गाइस, आग सेक रहे हैं गाइस, मूंगफलियाँ खाएंगे गाइस, मूंगफलियाँ खाने का आज मेरा मन नहीं है गाइस, क्योंकि यार ये जो भुट्टा था ना
आसन बिराज कुछ जाके भुट्टा खाना यार, अमेरिकन स्वीट कॉर्न ही है ये, और मजा आ जाता है भाई साहब। मीठा मीठा, अगर किसी को मीठे भुट्टे पसंद है ना, मजा आ जाता है ना गाइस। ये हमारा टाइसन है गाइस, और यहाँ इसका पत्थर चल रहा है गाइस, और डेली हम अब गाड़ी ही चला रहे हैं। बाइक भी मैंने चला ली है, बाइक एकदम ठीक हो चुकी है। बाइक की अभी फ्रंट वाली नंबर प्लेट नहीं है, तो इस वजह से बाइक नहीं चला रहा मैं, और ठंड भी हो रही है इस वजह से भी बाइक नहीं चला रहा मैं। बाइक एकदम मस्त हो गई है, मैंने एक अभी कब निकाली थी यार, परसों तो निकाली थी, हाँ सैटरडे को, कल ही तो निकाली थी हाँ, और मस्त चल रही है। और इसके अलावा बाइक के भी मोटो व्लॉग, जब अब फोन ठीक होएगा तब भी मोटो व्लॉग आएंगे, माइक खराब हो गया तो माइक भी लेना पड़ेगा नया। बताऊं, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आज मैं आप लोगों से बात करके। हाँ ऐसे में बताएंगे, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। यस और ये हमारी माता जी है। हम नहीं जाते हैं, हम नया साल अपने घर वालों के साथ एकदम सुख शांति पूजा पाठ करके मनाते हैं। ये मनाली मुनोली में क्या रखा है, कुछ भी नहीं, ये सब हुआ है। हाँ हम अपने परिवार के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं। और तो मेरे माँ बाप के पास पैसा है, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप थोड़ी ना है, तो ऐसा कुछ। ओहो गाइस, मेरे घर में चावल नहीं बने गाइस, पनीर आ रहा है गाइस, लेकिन चावल नहीं बने हैं, और मेरा हाथ दर्द हो गया था गाइस ये वाला, क्योंकि इस हाथ से ब्लॉगिंग होती है गाइस। हाँ जी गाइस, तो अभी पिताजी, मेरे पिताजी आएंगे, पनीर लेके आएंगे, और हम पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। हमारे यहाँ नया साल ऐसे ही मनाया जाता है, अभी हम एक साथ बैठ के आग सेक रहे हैं, फिर खाना खाएंगे और सो जाएंगे। हमारे यहाँ नया साल ऐसे ही मनाया जाता है, एक साथ रहकर खुशी से। ये नहीं कि बच्चे चले गए घूमने फिरने, राइडों पे जा रहे हैं बच्चे, न्यू ईयर राइड कर रहे हैं, और हाँ पूजा पाठ करो भगवान का नाम, वही माँ बाप अकेले बैठे हैं, पूजा पाठ करो भगवान का नाम लो, माँ बाप के साथ नए साल की शुरुआत करो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस व्लॉग में, क्योंकि अभी एडिटिंग भी करनी है, और मिलते हैं आपको एक और अच्छे से ऐसे ही व्लॉग में कल, देखते हैं बना लेंगे कुछ। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।